पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के आईएमए हॉल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अंजु लोचब ने की। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला, उनकी कविताएं भी गाई गईं। सभी बहनों ने आह्वान किया कि 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें, हर हालत में हमें मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा दर्शना सिंह रही। विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री रश्मि रावल मौजूद रही। पद्मा दीक्षित, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष अंजू वारियार, क्षेत्रीय मंत्री मदालसा शर्मा, SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान भी मौजूद रही। आयोजित कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। सभी महिला मोर्चा की बहनें अपनी प्रदेश अध्यक्षा को यह विश्वास दिलाती हैं कि आपके नेतृत्व में हम सब बहनें मिलकर इतने कमल खिलाएंगी कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली जो आज एक सक्षम स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अपनी प्रदेश अध्यक्षा के मार्गदर्शन में हम सब बहनें, जो हमारी अबला बहनें हैं, जो निरसाय बहनें हैं, जो कम पढ़ी लिखी रह गई, विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गई, हम सब मिलकर उन्हें विकास की दौड़ में शामिल करेंगे और हम सब उन्हें एक शक्ति प्रदान करेंगे। और उन्हें नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं, वह उनको सफल क्रियान्वयन करने के लिए हम जी जान दिन रात मेहनत करेंगे। सुरक्षा में सबसे बड़ी बात यही है कि लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ने क्या दिया। मैं कहता हूँ कुछ भी दिया हो या ना दिया हो, पर आप सबसे पहले कहिए कि हमारी माताओं और बहनों की आज अस्मिता और सुरक्षा के लिए आज हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। आज हमारी माता और बहनें बेखौफ कहीं पे भी आ रही हैं, जा रही हैं, आज कोई उनको छूने वाला नहीं है। और ये योगी जी ने कहा कि या तो पहले जैसे कल्याण सिंह ने कहा था, या तो प्रदेश को छोड़ के चले जाए अपराधी, और या सीधे जेल में, और या फिर सीधे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उनका सपना था कि देश फिर से सोने की चिड़िया बने। भारत जो पहले इतनी कहते हैं कि रिच संस्कृति रही है, ऐसी सभ्यता रही भारत की, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार हमारे देश में आज़ादी के बाद रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं कि जब से केंद्र में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो आपको पता होगा कि जब केंद्र में सरकार होती है और प्रदेश में सरकार नहीं होती है, तो बहुत सारे जो योजनाएं हमारी केंद्र की, वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार का उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में आप सभी ने सरकार बनाई पूर्ण बहुमत में भाजपा की, तब से आपको परिवर्तन दिखा? हाँ, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कितना अच्छा लगता है।